हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राउंड टैकल के बारे में। ग्राउंड टैकल हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं बीचिंग प्रोसीजर्स में। बीचिंग मींस इंटेंशनल ग्राउंडिंग, मतलब जानबूझ के ग्राउंड कर दिया गया हो जहाज को। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई इमीडिएट डेंजर हो शिप को, या फिर स्क्रैप हम लोग जैसे करते हैं, सीधा बीच पे चढ़ा देते हैं, तो उस प्रोसीजर को बीचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली इसका क्या मतलब है कि खुद के एंकर से बीच पर से बाहर निकालना शिप को, उसको बोलते हैं ग्राउंड टैकल। तो ग्राउंड टैकल वही है कि खुद के एंकर को एक सीरीज़ में केबल और वायर के थ्रू कनेक्ट करके जो सीरीज़ बनता है उसको ग्राउंड टैकल बोलते हैं, और उसके थ्रू हम लोग बाहर निकलते हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ग्राउंड टैकल, एक है पैसिव और एक है एक्टिव। एक्टिव यूजेस लाइक वेन बिफोर द बीचिंग, इफ़ वी आर ड्रॉपिंग एंकर एंड प्रोसीडिंग टू द बीच, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव। मीन्स बीच पहुँचने से पहले हम एंकर ड्रॉप कर दें और फिर वहाँ पे बीच से पहुँचे, तो उसको हम लोग एक्टिव बोलते हैं। और पैसिव क्या होता है? आफ्टर दैट, मतलब पहुँच जब बीच पे पहुँच जाएँ तब एंकर गिराएं। ठीक है, तो जनरली वी आर यूजिंग पैसिव वन बिकॉज द एक्टिव इज़ लिटिल डेंजरस, बिकॉज यू नीड टू हैव एक्सपर्टाइज एंड परफेक्ट कैलकुलेशंस, एज वेन द बीच स्लोप इज स्टार्टिंग, वॉट इज द टाइड, बिकॉज इफ़ यू ड्रॉप द एंकर केबल्स बिफोर एंड यू रैन शॉर्ट, यू मे नॉट रीच द बीच ऑल्सो। सो दैट इज़ वाई वी प्रीफर पैसिव यूज़ ऑफ ग्राउंड टैकल्स। मीन्स इसका मतलब है कि अगर हम एक्टिव ग्राउंड टैकल हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें एंकर पहले गिराना पड़ता है, और एंकर अगर पहले गिरा दिए तो उससे क्या होगा, अगर परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं बैठी, और एंकर क्या होता है, फाइनल अगर ख़त्म हो गया एंकर के जितने केबल से ख़त्म हो गया और बीच पे पहुंच ही नहीं पाया, तो वो तो डेंजरस हो गया ना। जो हम काम करना चाह रहे थे बीच पे पहुंचना था, वो हमारा हो ही नहीं पाया। तो इसलिए हम लोग जो है एक्टिव को जनरली यूज़ नहीं करते हैं जब तक एक्सपर्टाइज और प्रॉपर कैलकुलेशन ना हो। तो सो वी यूज़ पैसिव ग्राउंड टैकल्स। तो इन द पैसिव वन व्हाट वी डू, वी गो टू द बीच एंड वी जस्ट ग्राउंड द वेसल ओवर देयर, एंड आफ्टर दैट वी द टर्म हैंगिंग ऑफ एंकर means breaking the anchor cable away from the shackle, we break it off and then we pay out this anchor। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग पैसिव वन जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ग्राउंड टैकल, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले जहाज से जाकर हम लोग बीचिंग कर देते हैं। और बीचिंग करने के बाद क्या करते हैं, हम लोग एक टर्म है हैंगिंग ऑफ एंकर, मीन्स क्या होता है, उसको जो एंकर केबल है उसको हम लोग जॉइनिंग शैकल से हम लोग खोल देते हैं। ठीक है, अब हमें बनाना है ग्राउंड टैकल। मैंने बताया था ग्राउंड टैकल अरेंजमेंट ये है कि एंकर, एंकर केबल और एक वायर के साथ उसको कनेक्ट करते हैं। तो एंकर विद एंकर केबल जो रहती है, मान लीजिए एक साइकिल ले लिया, उसको हम लोग ज्वाइनिंग साइकिल से खोल देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एंकर को पे आउट करते हैं और टक्स आते हैं, टक्स को हम लोग दे देते हैं। तो समटाइम्स क्या करते हैं, वी यूज़ लिटिल बिट लेंथ ऑफ द एंकर केबल, मीन्स आइदर वन साइकिल और टू साइकिल्स, जितने भी ज़रूरत हो उसके हिसाब से हम लोग टक को दे देते हैं। और उसके साथ हम लोग जो है एक थिक मूरिंग हाउसर्स और वायर रोप्स, वेरी थिक मूरिंग हाउसेज वायर रोप्स आर यूज विच आर कनेक्टेड विद द एंकर केबल, और एंकर इज कनेक्टेड टू द केबल। मीन्स इसका क्या है, पहले एंकर रहेगा, फिर उसकी जो केबल रहेगी, मीन्स एंकर की जो शैकल है, फिर उसके बाद हम लोग वेरी थिक मूरिंग हाउसर से उसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये फोटो देखिए मैंने आपके लिए बनाया है, इसमें आपको देख के समझ में आ जाएगा कि एंकर विथ शैकल एंड विथ मूरिंग हाउसर जो हम लोग टक को दे रहे हैं, और टक जाके उसको क्या करता है, ले जाके उसको पानी में गिरा देता है। मीन्स जहाज बीच पे है, ग्राउंड हो रखा है, और जो एंकर है, अब एंकर जाके उसको टक ले जाएगा और दूर कहीं जाके उसको गिरा देगा। ये हमारा किस लिए दूर गिरा रहा है, वही हमारा काम करेगा खींचने में जहाज को बाहर बीच से। ठीक है, और खींचेगा तो इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग ये टैकल अरेंजमेंट होते हैं। वैसे भी एंकर केबल तो आपको मालूम है कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग मूरिंग हाउसर भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये पूरे हम लोग सीरीज़ में यूज़ करते हैं, और इसी की वजह से इसकी मदद से हम लोग जहाज़ को बीच से बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब तो ये जो सीरीज़ में हम लोग बना रहे हैं अरेंजमेंट, ग्राउंड टैकल अरेंजमेंट है, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग पॉइंट शिप पे जो रहता है उस पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो फिर जब ये रिग्ड हो जाता है उसको हम टाइटन करके रखते हैं, और बेसिकली ये फोर पर्पसेस में यूज़ होता है। पहला पर्पस क्या है, इट प्रिवेंट्स गोइंग फर्दर इनटू द बीच, मींस वंस इफ़ यू आर बीच्ड यू विल नॉट गो
फर्दर ग्राउंडेड इनसाइड ड्यू टू टाइट स्वेल एंड वेदर। मीन्स क्या है, हम लोगों ने ग्राउंड टैकल लगा दिया वहाँ पे और टाइटन करके रखा हुआ है। तो अगर मान लो जैसे टाइड आएगा तो जहाज़ ऊपर उठेगा, उठ के हो सकता है कि और अंदर चला जाए जहाज लैंड के और ऊपर जाके बैठ जाए। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि और अंदर ना जा सके, ये रोके रखता है, ठीक है। और दूसरा ये भी काम है इसका कि जैसे दूसरा पर्पज़ है कि वो प्रिवेंट करता है गेटिंग ऑफ द बीच, दैट इज़ लाइक इफ़ देर इज़ अ हाई टाइड कमिंग एंड इफ देर इज़ ए डेंजर ऑफ गेटिंग ऑफ द बीच। मीन्स अगर हाई टाइड आई तो ये भी हो सकता है खाली अंदर भी नहीं जाने के चांसेस है, बाहर भी निकल सकता है बीच से। जो हमने जिस पर्पज़ के लिए इंटेंशनली ग्राउंड किया जहाज़ को, वो पर्पज़ ही पूरा नहीं हो पाएगा तो फ़ायदा क्या उसका। तो इसलिए ग्राउंड टैकल प्रिवेंट ये भी कर रहा है कि बीच से बाहर भी ना आ सकें जब तक हमारा काम ना पूरा हो पाए, ठीक है। और थर्ड पर्पज़ इसका क्या है, इट एक्ट्स एज ए एंटी स्लोइंग गियर। मीन्स स्लोइंग मीन्स लाइक वन एंड इज ग्राउंडेड अदर एंड इज कीप योइंग हियर एंड देयर। मीन्स जैसे मान लीजिए मेरी पेन है, इसको मैंने ग्राउंड कर दिया इधर जाके, तो बाहु तो उसका चलिए ग्राउंड हो गया आगे से जाके। अब ऐसे साइड में जाके ग्राउंड ऐसे होते नहीं, हो नहीं पाता है। तो ऐसे मान लीजिए ग्राउंड हुआ जाके जहाज हमने बीच पे से चढ़ा दिए, तो ये तो फॉरवर्ड इसका अंदर लगा हुआ है बीच पे, बट जो उसके पीछे वाला हिस्सा है, जो स्टर्न वाला हिस्सा है, वो क्या करेगा, जैसे टाइड है ये स्वेलाई तो ऐसे ऐसे यॉ करता रहता है। तो इस में भी हमारा ग्राउंड टैकल इसको प्रिवेंट करता है कि ये एंटी स्लोइंग गियर की तरह ये काम करता है कि ये रोके रखता है कि ज़्यादा हिले ना ये, वरना ये भी डेंजर हो सकता है कि बाहर निकल आए बीच से, ठीक है। ये इसका थर्ड पर्पज़ है। और फोर्थ पर्पज़ का क्या है, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन कमिंग आउट ऑफ द बीच। वंस ग्राउंड टैकल इज रिग्ड एंड यू आर पुलिंग ऑन योर टैकल्स, यू आर कमिंग आउट ऑफ द बीच। मीन्स ग्राउंड टैकल जिस चीज़ के लिए लगा रखा है, मीन्स बीच कर तो कर दिया जहाज को, बाहर भी तो निकालना है, तो वही पर्पज़ के लिए हम ग्राउंड टैकल यूज़ करते हैं। तो इसका मेन फोर्थ पर्पज़ है कि शिप को बीच से बाहर निकालना, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको कि ग्राउंड टैकल क्या होता है। फिर भी मैं आपको एक फिगर भी मैं दिखा देता हूँ, वो आप देख लीजिए कि कैसा रहता है, अप्रॉक्सीमेटली आपको समझ में आ जाएगा कि क्या रहता है। इस फिगर को देखिए, इसमें देख के समझ में आ रहा है कि ये मान लीजिए शिप है और इसका एंकर देखिए इधर जाके आगे में लगा रखा है। तो ये इसका पर्पज़ है कि बाहर निकालने, फाइनली जब हम लोग का पर्पज़ हो जाए बीच, हम लोग जिस पर्पज़ के लिए हम लोग बीच किए हुए हैं वो पर्पज़ सॉल्व हो जाए, उसके बाद हम लोग बीच से बाहर निकलने के लिए हम ग्राउंड टैकल यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था ग्राउंड टैकल, मैंने आपको समझा दिया। अब आप इस वीडियो को 2-3 times देखिए, नहीं समझ में आता आपको तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।